तो हाल ही में दिवाली से पहले दूध के भाव बढ़ाए गए थे, अब एक बार फिर दूध के भाव बढ़ने की संभावना है। जनवरी से मार्च के बीच दूध की कमी उत्पन्न हो सकती है। देश भर में दूध की कमी का निरीक्षण इंडिया डेयरी द्वारा किया गया है। लंपी वायरस के कारण देश में तेजी से पशुधन कम हुआ है, इसके अलावा चारे की भी कमी आई है। जनवरी के बाद मांग के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाई और इसी वजह से दूध के दामों में बढ़ोतरी की संभावना है और जनवरी से दूध के दाम 5 से 6 रुपए तक बढ़ सकते हैं। मतलब जनवरी से जो दूध अभी आप 60 रुपए में ले रहे हैं तो वो 65 से 66 रुपए में प्रति लीटर आपको मिलेगा, यानी 5 से 6 रुपए तक दूध के दामों में जनवरी से बढ़ोतरी होगी। तो महंगाई से लगातार जनता परेशान है, हर जरूरत की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और दूध ऐसी जरूरत है जो हर घर में रोजाना सबको लगता है दूध, और दूध के बिना किसी की शुरुआत नहीं होती और रात भी दूध के साथ ही खत्म होती है। कई लोग रात को दूध पीते हैं और सुबह चाय लगती है लोगों को और उसके लिए भी दूध की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में दूध के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार को कुछ विचार करना होगा और दूध के दामों को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है इस पर जरूर सरकार को कोई एक नीति या पॉलिसी तैयार करनी होगी।